एट वन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अगुवाई कर रहे हैं। बैठक में LG जम्मू कश्मीर, NSA अजय डोभाल, CRPF DG, गृह सचिव अक्षय भल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में पिछले कुछ दिनों में जम्मू क्षेत्र में आतंकी घटनाओं में आई तेजी और इससे निपटने को लेकर चर्चा की जा रही है। मेंढर के कालाबन इलाके में आज सुबह एक रिहायशी घर में आग लगने के बाद गैस सिलेंडर फटने से पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंच गया। शुरुआती जांच में पता चला कि सिलेंडर लीकेज की वजह से फटा, जिसमें दो लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए राजौरी सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। कालाबन से वहाँ घर में ये थी, सुबह ब्रेकफास्ट बना रहे थे तो गैस सिलेंडर को आग लग गई, उसका ब्लास्ट हो गया, जिससे इंजर्ड हुए हैं, काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। इनके बर्न्स 40% से अबोव है सबके। इनको हमने अभी फर्स्ट एड दे दिया, तो अब एम्बुलेंस के थ्रू हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं GMC रजौरी में। बांडीपोरा के वांगीपोरा वार्ड 1 के निवासी इन दिनों वांगीपोरा डैम से आ रही बदबू से परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि गंदे पानी, कचरे और प्लास्टिक की वजह से बांध से दुर्गंध आ रही है। सरकार की उपेक्षा के चलते ये कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। दुर्गंध की वजह से लोगों को यहाँ अक्सर खांसी बनी रहती है। लोगों ने इस मामले में तुरंत कदम उठाने की मांग की है। और कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा के त्यौहार से पहले बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। एक बार फिर भाईचारे के रूप में भलेसा की परंपरा देखने को मिली कि हिंदू महिलाएं और बहनें ईद की खरीदारी कर रही हैं और मुस्लिम भाइयों को बधाई दे रही हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा सदियों से चला आ रहा है। जब हिंदुओं का त्यौहार दिवाली मनाया जाता है तो मुसलमान उन्हें बधाई देते हैं। के जो पूरे लोग हैं, समस्त देशवासियों के लिए कामना करें कि इस ईद पे बहुत सारी अपनी नमाज के साथ दुआ मांगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, आपने देखा अभी हमारी मुस्लिम बहनें हम सब मिलके शॉपिंग यहाँ पे कर रहे हैं। एक बड़ा त्योहार है और खासकर मैं अपने जिले डोडा भलेसा की मैं एक बात कहूँ कि यहाँ का भाईचारा जो है बहुत ही अच्छा और हमदर्दी वाला भाईचारा है। जब हिंदू होली होती है तो मुस्लिम भाई हमारे घरों में आते हैं और जब ईद होती है तो हम अपने मुस्लिम भाई बहनों को हम बधाई देते हैं और उनके साथ रल मिलकर हम अपना भाईचारा कायम करते हैं और हमें प्राउड होता है अपने इस भाईचारे पे कि हमारा भाईचारा जो है बहुत ही एक अच्छा भाईचारा है। यहाँ पहले की तरह ही हमारा यही पैगाम है, भलेसा का हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल है और उसी को कायम दायम रखते हुए सभी पूरे हिंदुस्तान को हमारी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। और हमारी ये दुआ है कि ये ईद हम सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक खुशहाली का पैगाम लेकर आए। आज तो चहल पहल है, ईद की खुशी मनाई जा रही है और लोग जो आ रहे हैं और जो जिसे 10 की चीज है वो 50 की ले रहे हैं, हजारों की तादाद में। भद्रवाह में मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना पर डोडा और किश्तवाड़ के शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इसका मकसद छात्रों में विज्ञान को लेकर दिलचस्पी बढ़ाना रहा। इस सत्र में 55 से विज्ञान शिक्षकों और शोधार्थियों ने हिस्सा लिया। किश्तवाड़ और डोडा करीब 70 स्टैंडर्ड क्लब हमने बनाए हैं। ये रिमोट एरिया के अंदर जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी साइंस टीचर हैं, उनको यहाँ पर बुलाकर 2 दिन की भद्रवाह में ट्रेनिंग दी जा रही है। लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स, ये कंसेप्ट में हम उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जो ये है जाके अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में बता सकें कि कैसे स्टैंडर्ड में साइंस लगी हुई है
उन साइंस को कैसे कैसे स्टैंडर्ड में उपयोग किया गया है। एक तो उनको सबसे पहले आगाह करना था, ओरिएंट करना था, उनको बताना था स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्वालिटी क्या होती है, और दूसरा जो भी वो रोजमर्रा की चीजें उनको पढ़ाते हैं, जैसे साइंटिफिक लॉज पढ़ाते, प्रिंसिपल्स पढ़ाते, उनको वो कैसे जो प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आते हैं उनके साथ वो कैसे रिलेट करेंगे, ताकि बच्चा जब है, जब वो कोई चीज खरीदा वो तभी जाके क्वालिटी प्रोडक्ट ही खरीदेगा जब उसको पता है कि साइंस क्या है इसके पीछे, इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे, तभी जाके जो है ये आइडिया इनकलकेट होगा हमारे यूथ में, तभी जाके हमारा जो इंडिया है उसमें स्टैंडर्ड्स जो है आ जाएंगे, स्टैंडर्ड गुड्स आ जाएंगे। खंड विकास अधिकारी टिंगमग ने टिंगमग के आसपास के 24 आवासीय क्षेत्रों की एक सूची जारी की है, जिसमें आवासीय वाणिज्यिक भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन के लिए पंचायत सचिवों के बजाय गुलमर्ग विकास प्राधिकरण से अनुमति मांगी गई है। गुलमर्ग नागरिक फोरम और अन्य ने इस अनुमति आदेश के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है। लोगों ने BDO के इस आदेश के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया है। गुलमर्ग नागरिक फोरम ने इस मुद्दे को गुलमर्ग विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम रजा और SDM गुलमर्ग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें इस आदेश को रद्द करने की अपील की गई और वसीम रजा से इस आदेश को सही करने को कहा गया। वसीम रजा ने कहा कि अब आवासीय भवन के निर्माण के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुमति ही काफी होगी। उन्होंने कहा कि इस सर्कुलर को बदला जाएगा। जिनों से यहाँ से एक सर्कुलर जारी हुआ था BDO ऑफिस टंगमर्ग की जानिब से, जिस इलाके में तशवीश फैल गया कि हमारी कंस्ट्रक्शंस पे क्यों बैन लगती है, अगर रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए हम अप्रोच करते हैं, जैसे कि पहले एज पर सर्कुलर ऑफ द ईयर 2022 पंचायत राज एक्ट के तहत सरपंच ऑफ द हल्का वाज गिविंग द परमिशन फॉर रेजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज इन द रूरल एरियाज। जब पंचायत डिजॉल्व हो गई तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर BDO को अपॉइंट किया गया था, तो अब BDO साहब परमिशन देते थे रेजिडेंशियल हाउसेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्योंकि जो ये सर्कुलर पेश हुआ तो इससे आवाम में एक तशवीश पेश हुआ कि शायद हमारी कंस्ट्रक्शन पर बैन हो गई, तो CO साहब ने हमें एश्योर किया कि हम ये ऑर्डर मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, इनएडवर्टेंटली हो गया है, तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पर कोई भी पाबंदी नहीं है, जो वो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहे थे, उसमें जो कंपिटेंट अथॉरिटी थी BDO कंसर्न था, VLW था, या जो कंसर्न पटवारी हल्का होता है, वो 3 मेंबर की कमेटी होती है, तो वही वो परमिशंस वगैरह देंगे, तो उस सिलसिले में हमारा कोई इंटरप्शन नहीं होगा इसमें। या इसमें हमने ये भी बात डिस्कस की कि जो इलाके में बाकी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज होती है, तो इन्होंने बोला कि हम वो रेगुलराइज करना चाहते हैं, हम बैन नहीं करना चाहते बल्कि हम रेगुलराइज करना चाहते हैं, अगर कोई कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करता है तो वो एज पर एक्ट, एज पर रूल्स, कमर्शियल परमिशंस के तहत वो कंस्ट्रक्शंस करें। ये जो BDO साहब ने जो ये नोटिस इशू की है, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, मैं भी अग्री करता हूँ। और ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है कि जैसे हमने कोई कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल हाउसेज के कंस्ट्रक्शन पे कोई बैन कुछ नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलेट करने की, ताकि जो कोई रेजिडेंशियल परमिशन ले वो रेजिडेंशियल परमिशन ले के इसको कमर्शियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ना करे, जैसे पहले भी आपने बहुत जगहों पर यहाँ कंप्लेंट आई है। हमारा मकसद यही है, GDA का मकसद यह है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद है कि हम रेगुलेट करें कंस्ट्रक्शन को इस हिसाब से कि ताकि कोई आपके जो खूबसूरत इलाके हैं, खूबसूरत गांव हैं, ये कंक्रीट जंगल्स में तब्दील ना हो। किसी भी बीमारी की स्थिति में मानव जीवन को बचाने में एक डॉक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अक्सर कहा जाता है कि उपचार एक डॉक्टर के हाथ से होता है। निसार अहमद नाम के एक डॉक्टर ने मगाम अस्पताल में एक कार्डियक अरेस्ट मरीज को बचाया है। मगाम के नागरिक समाज ने डॉक्टर निसार को उनके अथक प्रयासों के लिए सम्मानित किया और उनके काम की सराहना की। एक शख्स की अहमियत का अंदाजा इस बात से होता है कि वो अपने माशरे के लिए कितना अहम है। हमारे एक अजीज, पिछली बार उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो वो एक एमरजेंसी की सूरत में यहाँ आए थे, बहुत देर हुई थी, रात हुई थी उस वक्त, तो डॉक्टर निसार साहब थे यहाँ, तो उन्होंने फर्स्ट एड दी उसको, उसके बाद उनको रेफ़र किया श्रीनगर। तो श्रीनगर में जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो उनको फर्स्ट एड मिली है उस वो बहुत बेहतरीन, उन्होंने ही उसकी जान बचाई है। तो इसलिए इस वक्त हम
डॉक्टर निसार साहब की उनकी उनका शुक्रिया अदा करने यहाँ आए हैं सिविल सोसाइटी मागाम की तरफ से। हम इस अस्पताल की बेहतरी चाहते हैं क्योंकि शिफा खाना या अस्पताल एक मुआशरे का बहुत अहम तरीन जुज़ होता है और ये जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, जितना ज़्यादा फ़ाल होगा और जितना ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड होगा उतना ज़्यादा ये सोसाइटी ठीक रहती है। इसी मैं इनके तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये यहाँ आए और हमारी हौसला अफजाई की। ये हमारे लिए फ़ख्र और ख़ुशी की बात है कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। और जहाँ तक हमारे डॉक्टर साहब निसार साहब का सवाल है, उनकी तारीफ इन्होंने की है, उन्होंने पेशेंट को बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया, यानी कि उनको जे भी जहाँ पर उन पेशेंट को रेफ़र किया वहाँ से भी उनको ये कहने को मिला है कि 80% इलाज MI का सीरियस पेशेंट था, 80% इलाज उसका यहीं पर हुआ। और हमारे लिए ये बड़ी हौसला अफजाई की बात है कि किसी अस्पताल से हमारी अप्रिसिएशन आए और हमारी फिर सिविल सोसाइटी के लोग हमें यहाँ पर तारीफ़ करें, ये हमारे फ़ख्र की खुशी की बात है। सोसाइटी के मेम्बरान को ये यकीन दहानी देता हूँ और अपने लोगों को भी यहाँ पर यकीन दहानी देता हूँ कि हमारे डॉक्टर साहिबान इसी तरह खुश दिली के साथ और बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपना काम और अंजाम देते रहेंगे और ये अपने सोसाइटी के लोगों की खिदमत में लगे रहेंगे। किसी भी बीमारी में इंसानी ज़िंदगी को बचाने में डॉक्टर का अहम रोल होता है और साथ ही कहा जाता है कि डॉक्टर के हाथों में शिफा है। और आज वाकई ये बात दुरुस्त पाई गई है जब मागाम में एक कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को डॉक्टर ने बचा लिया है और जब उसे रेफ़र किया जाता है तो तब JVC श्रीनगर में भी डॉक्टर खुशी से फूले नहीं समाते हैं और वो यानी मागाम हॉस्पिटल में तैनात इस डॉक्टर की तारीफ़ करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही इस पेशेंट को 80% यानी इलाज किया है और उसकी ज़िंदगी को बचा लिया है। और आज सिविल सोसाइटी ने जो कदम उठाया है और इस डॉक्टर की हौसला अफजाई की जाती है और यही है कि अगर ऐसे डॉक्टरों की हौसला अफजाई की जाए तो आने वाले वक्त में जो सेहत का शोबा है वो वाकई फरोग पाएगा और वाकई इसमें सिस्टम जो है वो सही तरीके से सही ढंग से चल पाएगा। News18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मनीर हुसैन। उधमपुर वन प्रभाग के तहत तिरछी बाली क्षेत्र के कंपार्टमेंट नंबर 60 में भयानक आग लग गई है। आग से क्षेत्र के वन्य जीवन और वनस्पति को भारी नुकसान हुआ है। कई पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। आग से करोड़ों रुपए की वन संपदा नष्ट हो गई है। इस बीच आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। पवन कुमार शर्मा है और मैं गांव नरोड़ का रहने वाला हूँ और अक्सर पंच हूँ जहाँ का। मैं बात करूं, इस टाइम हम खड़े हैं गांव तिरछी में जे 61 वीट है और ब्लॉक वली है और रेंज उधमपुर है। तो सर आपने देखा कि आग ने इतना हड़कंप बचा रखा है, कम से कम लाखों के हिसाब से जो है ग्रीन टी हमारे ख़त्म हो गए और जे आग लगभग 15 दिन से अलग अलग जगहों पे लगी है इसी गांव में। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन की तरफ से कोई इस आग को बचाने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही होगी या कोई कड़ा कदम उठाया जा रहा होगा। तो बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हम मतलब हर आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते रहते हैं, वन महोत्सव बनाते हैं, स्कूलों में जाके जहाँ कोई खाली जगह मिलती है फॉरेस्ट में जाके छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके मतलब वन महोत्सव बनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वन महोत्सव बनाने का जे नतीजा मिल रहा है कि जो पेड़ हमने लगाए थे पिछले दिनों, हमने 2-3 नर्सरियाँ लगाई, इधर 4,000 पौधों की नर्सरियाँ लगाई और करोड़ों का जो है मतलब नुकसान हुआ गवर्नमेंट का। तो वो पौधे जितने भी पौधे लगे थे पूरे के पूरे झुंडी हमारे ख़त्म हो गए। अभी हमने पीछे देखा था पूरे जितने छोटे छोटे पौधे अभी 1-1 साल के थे, इतने अच्छा पूरी नर्सरी तैयार हो रही थी हमारी और पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है। और मैं आपके माध्यम से जे मतलब सरकार से अपील करता हूँ कि कम ऐसा अगर कोई हड़कंप मचता है कहीं किसी भी इलाके में तो कम से कम आपको उस पर कड़ी मतलब कार्रवाई करनी चाहिए या कोई ऊंचे कदम उठाना चाहिए कि कैसे इस आग को बुझाया जाए या आग पर काबू पाया जाए। फायर लगी हुई दिखे तो आप सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें और हमारा स्टाफ आने तक वेट करें वहाँ पे। उसके बाद जो फॉरेस्ट की फायर बुझाने की SOP है उसके साथ मिल करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके आप आग बुझाएं। और आपसे विनती है कि अपने खेतों में या अपने घरों में कहीं पर भी आग जलती हुई नहीं छोड़ें क्योंकि आंधी है और आंधी के चलते कहीं पे छोटी सी चिंगारी बड़ी आग का रूप ले सकती है। तो मेरी आपसे खास विनती रहेगी कहीं पर भी आग जलती हुई नहीं छोड़ें। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। हाइको के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्पीकर को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। मामले में आज जस्टिस
संदीप शर्मा की अदालत में सुनाया गया था फैसला। हमीरपुर में पुलिस पेंशनर एसोसिएशन की बैठक का आयोजन। बैठक में पूर्व पेंशनरों की समस्याओं के बारे में की गई विस्तार पूर्वक चर्चा और समस्याओं के समाधान के बारे में बनाई गई रणनीति। शिमला के श्री नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा का बयान। कहा, प्रदेश में आग के हादसे बढ़ रहे हैं लगातार, सरकार को इस पर देना चाहिए जवाब। कुल्लू जिला के दुर्गम क्षेत्र शाक्टी में सड़क सुविधा का अभाव। गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को कभी कुर्सी से बांधकर कभी घोड़े का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और नशा विरोधी अभियान के तहत अली स्पोर्ट्स एकेडमी ने जिला प्रशासन के सहयोग से शालोट सोनावारी में साइकिल रेस का आयोजन किया। इसमें सोनावारी क्षेत्र के दर्जनों छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमने शिलवत में बाइसिकल रेस की थी जो सैल्वाडोर इंटरनेशनल स्कूल है अली स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल के हमने एक अच्छा इवेंट किया। बच्चों का साइकिल रेस था, शॉर्ट साइकिल रेस था, जिससे हमने एक तो सोसाइटी के लिए एक अच्छी मैसेज दी और एक एथलीट के लिए, एक बच्चे के लिए एक इन्वॉल्वमेंट हो गई एक प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से कि वो अपने फिजिक को बनाने के लिए साइकिल रेस में जब लग जाता है तो एक बार रेस के बाद वो अपनी लाइफ के साथ अपने फिजिक के साथ अच्छा ही कर पाएगा, कभी गलत कभी नहीं जाएगा। जो हमने मकसद रखा था एंटी ड्रग अब्यूज़ के रिलेटेड, तो ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हर एक इलाके में होनी चाहिए जिससे अच्छी मैसेज हो जाती है कि अच्छी जनरेशन आने वाली वक्त में जो जनरेशन उनके लिए अच्छा इम्पैक्ट रहे। रामसू क्षेत्र में NH-44 प्रोजेक्ट साइट पर एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना ने निर्माण कंपनियों द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर किया है। यह घटना रामसू शेर बीबी सेक्टर में फोर लेन परियोजना कार्य के दौरान हुई। उसकी पहचान झारखंड के सूरज कुमार के रूप में हुई है। काम कर रहा था ऊपर, चार पाँच मीटर ऊपर हाइट में, तो झूला से गिर गया नीचे। ईगल कंपनी के नाम से उनके साथ जो काम कर रहा था एज वर्कर, बगैर किसी सेफ्टी के, उसमें उसको न कोई हेलमेट थी न कोई जैकेट लगी थी। इस तरह से मैंने उसको खुद यहाँ पे देखा और बुरी तरह से वो जख्मी हुआ। अभी तक नेशनल हाईवे का जो सबसे ज़्यादा खतरनाक काम जो चला वो रामबन और बनिहाल के दरमियान, और इनको पूछने वाला कोई नहीं। जो लेबर रूल्स हैं, जो लेबर लॉज के तहत इनको सेफ्टी मेजर्स उठाने थे वो नहीं उठाए गए, और ये सीगल कंपनी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको पूछती नहीं है। ये हमें पता नहीं चल रहा है ये क्या मसला है। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से रामबन बनिहाल स्ट्रेच में फोर लाइन प्रोजेक्ट पर मामूर तामीरी कंपनियों की लापरवाही की वजह से कई मजदूर जो है वो शरीर तौर से जख्मी हुए हैं और वहीं पर कई मजदूरों की ऐसे पहले जाने भी जा चुकी है। रामबन बनिहाल स्ट्रेच जो है खतरे से भरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर मजदूरों की हिफाजत जो है वो तरजीह होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त रामसू और शेरबीबी के दरमियान तामीरी काम के दौरान हिफाजती इकदाम की कमी की वजह से एक शख्स जो है उसकी मौत भी वाकई हो गई है। वहीं इंतजामिया भी इस जानिब कोई तवज्जा नहीं दे रही है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़िंदगी जो है हमेशा खतरे से लाहिक रहती है। इस सिलसिले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो तामीरी कंपनियों को बाउंड करे कि वो तमाम तर हिफाजती इकदाम और लेबर लॉज की अमलावारी को यकीनी बनाए। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए नेशनल हाईवे से बिलाल बाली। और वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। इस सिलसिले में देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में साधु जम्मू पहुंचने लगे हैं। यह यात्रा के लिए पहला बेस कैंप है। ये साधु जम्मू के कई मंदिरों और सरकारी भवनों में ठहरे हुए हैं। ये साधु काफी उत्साहित दिख रहे हैं और श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस साल
की श्री अमरनाथ जी यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और इस सिलसिले में अगर तैयारियों की बात करें तो पूरी तैयारियां कंप्लीट कर दी गई हैं। सिक्योरिटी का एक बड़ा कंसर्न है रियासी हमले के बाद, लेकिन सिक्योरिटी एस्पेक्ट पर भी मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से इस साल की जो अमरनाथ यात्रा है उसको एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में किया जाए। इस संबंध में सबसे अच्छी बात है कि कई साधु जो हैं अमरनाथ जी यात्रा करने के लिए ऑलरेडी जम्मू पहुंच गए हैं। अपन नहीं, हम लोग 15 साल इधर आ गया, आने का जाने का आदमी है। अच्छा, जाते रहते हैं हर साल? पसंद है। कोई टेंशन नहीं? टेंशन नहीं है। कोई खौफ नहीं? नहीं, डर नहीं? डर नहीं, हम लोग क्यों डर रहे हैं? मेरा पिताजी देखता हूँ, मेरा पिताजी है, हम देखता हूँ। ये जो मिलिटेंट टेररिस्ट का कोई डर? अभी नॉट प्रॉब्लम है, डर नहीं है। अच्छा, यू विल गो टू अमरनाथ? हाँ, जाए ना, अभी गो। यहाँ फैसिलिटी सारी अच्छी है? हाँ, फैसिलिटी अच्छा। अच्छा, खाना मिला तो मिलता? हाँ, अच्छा। हम लोग का क्या डर, हम लोग आगे पीछे कौन है, हम लोग क्यों डरने का? जो भी है देखा जाएंगे, भोलेनाथ देख लेगा, हम कुछ नहीं डरने का नहीं, मेरे से कुछ होगा भी नहीं, जो भी है वो देख लेगा, भोलेनाथ देख लेगा, शंकर जी ने देख लेगा। हिम्मत से जाता, कभी भी हर साल हिम्मत से जाता हूँ, कितना भी बारिश करो, कुछ भी तकलीफ हो वो पता नहीं लगेगा एकदम। मतलब सब हिंदू धर्म में सब आना चाहिए, सब यात्रा करना चाहिए, डरना काय का, एक ना एक दिन तो जाने ही जाना है, कोई भी आने वाला रुकेगा नहीं, एक ना एक दिन तो कुछ रहना जाना ही है, इसलिए डरना क्या, बस चलते रहने का, यात्रा करते रहने का, अपना हिंदू धर्म का आगे बढ़ाना, उनसे सब मंदिर आना, सब पूजा पाठ करना, जाते रहे। साइकिल यात्रा, साइकिल यात्रा से हम पहले गंगोत्री जम्बोत्री फिर आ गए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश घूम के वैष्णो माता घूम के अब हम इंतजारी में अमरनाथ की इंतजारी में यहाँ पर रुके हैं। आप यहाँ कहाँ कब पहुँचे? हमको हो गए करीब करीब 5-6 दिन हो गए यहाँ रुके। यहाँ पे आपको सुविधाएं सारी मिल रही है? सारी सुविधा है। अब जो लोग जो है ज्यादा ये लोग जी, खाना सब कुछ, खाना पीना व्यवस्था सब भैया बहुत बढ़िया है। हमको कोई यहाँ पे कोई घबराहट नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। साधु यहाँ पे ऑलरेडी जम्मू पहुँचे हैं और सुविधाओं की बात करें तो ये संतुष्ट हैं कि सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, इनको जो भी चाहिए वो इनको प्राप्त हो रहा है। सिक्योरिटी का जहाँ तक एस्पेक्ट है, ये कह रहे हैं कि जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं या जो सिक्योरिटी कंसर्न बना है जम्मू में, उससे उनको कोई घबराहट नहीं है, ये उनको भोलेनाथ पे भरोसा है। इनकी जो यात्रा है, इनकी ही नहीं, सिर्फ जो भी अमरनाथ यात्री यहाँ पे आएंगे उनकी यात्रा सफल होगी। ये कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, News 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में योग दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। श्रीनगर समेत कश्मीर के अन्य जिलों में जगह जगह बच्चों को योगाभ्यास कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसलिंग ने बच्चों की योगाभ्यास करती हुई मनमोहक तस्वीरें शेयर की हैं। आपको बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाएगा। और सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग यूटी लद्दाख ने लेह और करगिल दोनों जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यूटी स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय नशीली दवाओं का दुरुपयोग और मानसिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं संघर्ष था। इस पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को उजागर करना था। कंपटीशन हम लोग पेंटिंग कंपटीशन कर रहे हैं। आइडिया है कि बच्चों को ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज की अवेयरनेस, इट्स वन ऑफ द अवेयरनेस इनिशिएटिव, जिसमें पेंटिंग करके बच्चे अपना एक्सप्रेशन यू नो शो इट ऑन अ पेपर। लेह करगिल दोनों में आज ही कंपटीशन हो रहा है। अभी जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे लेह पब्लिक स्कूल में, लद्दाख पब्लिक स्कूल में अराउंड 100-120 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं, एंड आई एम टोल्ड कि करगिल में भी अराउंड 120-130 स्टूडेंट्स करगिल हेडक्वार्टर्स में भी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं। इसके अलावा अक्रॉस बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स हर स्कूल में कॉम्पिटिशन हो रहा है। 26 को जो भी बेस्ट पेंटिंग्स होंगे उनको डिस्प्ले किया जाएगा, बिकॉज 26 इज द इंटरनेशनल डे द फाइट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। सो ये एक इनिशिएटिव है क्योंकि बच्चे सबसे इफेक्टिव मैसेजेस होते हैं, अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं ड्रग अब्यूज के बारे में। आज के हमारे पेंटिंग कॉम्पिटिशन का थीम भी है सब्सटेंस अब्यूज एंड मेंटल हेल्थ इंटरट्वाइन स्ट्रगल। इस पेंटिंग कंपटीशन में जो
हेडक्वार्टर में, जैसे कारगिल हेडक्वार्टर और लेह हेडक्वार्टर के बच्चे एक जगह आके फिजिकली ये कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बाकी जो दूर दराज के स्कूल्स है वहाँ पर बच्चे रिमोटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो अपने पेंटिंग्स हेडक्वार्टर में भेजेंगे। ये जो नशा मुक्त भारत अभियान का कैंपेन हम चला रहे हैं, इसको हम और हम अवेयरनेस का काम करेंगे, और हम बहुत सारे हर स्कूल में हर यूथ को, वुमेन्स को, हर लोगों को हम अवेयरनेस फैलाएंगे और लद्दाख को ड्रग फ्री जोन बनाने में हर पुरजोर कोशिश करेंगे। डोडा के भलेसा में डिफेंस टीम के गठन के बाद युवाओं के हौसले बुलंद हैं। युवाओं के साहस से लाडू, कांसर और राजपुरा गांव पूरी तरह सुरक्षित हैं। यहां युवा जनता की सुरक्षा के लिए 2400 घंटे काम करते हैं। गांव के युवाओं का कहना है कि ये उनकी सतर्कता का ही नतीजा है कि इन गांव की सीमा में किसी ने घुसने की हिम्मत नहीं की और अल्पसंख्यकों का पलायन भी नहीं हुआ। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 जेकेएलएच। नमस्कार।